या समय से माध्यमिक शिक्षा में परीक्षा कराने से हो, रिजल्ट निकालने के लिए हो, नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए हो, या बेसिक शिक्षा में आज जैसा कि आपने देखा 31,227 शिक्षकों की नए शिक्षकों की भर्ती का नियुक्ति पत्र देने का काम रहा हो, सरकार ने बड़ी निष्पक्षता के साथ पूरे प्रदेश में काम किया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी तक 3 लाख से ऊपर भर्तियां हो चुकी थी, आज 31,227 को छोड़ के। और आपको जानकर खुशी होगा कि इन भर्तियों में तमाम विभागों का बढ़ चढ़ कर हिस्सा हुआ। चिकित्सा विभाग में 8,556, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में 28,622, अधीनस्थ चयन सेवा आयोग में 16,708, बेसिक शिक्षा में इसके पहले 54,706 की नियुक्ति हो चुकी थी और आज 31,227 की नियुक्ति और हुई। पुलिस विभाग में 1,37,253 लोक सेवा आयोग में जो भर्ती का क्रम हुआ वो 26,103, माध्यमिक शिक्षा विभाग में 14,000 से ऊपर, उच्च शिक्षा विभाग में 4,615 से ऊपर और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में 6,446, अगर कुल देखें तो 3,526 से ऊपर नियुक्तियां उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पहले हो चुकी थी और तमाम विभागों में नियुक्तियों का दौर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विभागों को निर्देशित किया है कि वो भर्ती की प्रक्रिया को शुरू करें और सभी विभागों ने अपने वहाँ पर रिक्त पदों का विज्ञापन किया है और जल्दी ही अन्य रिक्त पदों का भर्ती का क्रम तेजी के साथ प्रारंभ होने जा रहा है। ये सरकारी नौकरियों की बात है, उद्योग धंधों में 1:1 में, लघु उद्योगों में और जो बैंक्स ने जिनको लोन दिया है या उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार की तमाम योजनाएं हैं जो उनमें चल रहे हैं निजी क्षेत्रों में, वो नौकरियों की संख्या अलग है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार आज बड़े पैमाने पर रोजगार को मुहैया कराने की अपनी प्राथमिकता को आगे रखे हुए है और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी आज जो नियुक्ति पत्र बांटे हैं, जल्दी ही जो 69,000 के हमारे और बचे हुए अध्यापक हैं जिनमें से 31,227 की नियुक्ति आज भी है, बचे हुए का जो कानूनी प्रक्रिया है उसको पूर्ण करने के बाद उनमें भी नियुक्ति की क्रम को हम लोग जारी करेंगे। आज इसीलिए सरकारी विद्यालयों में चाहे वो माध्यमिक हो चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो, प्रत्येक में आज विद्यार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और यही क्रम बेसिक शिक्षा में भी है। बेसिक शिक्षा में 1,34,000 जब 2017 में सरकार में आए थे उस समय संख्या थी, अब आज 1,80,000 के आसपास विद्यार्थी पढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आज चौमुखी विकास की तरफ हमारी सरकार बड़ी तेज़ी के साथ में बढ़ रही है
और हमने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है किसानों के कल्याण के लिए। अभी हम लोगों ने कि वो सीधे अपनी फसल को बेच सके उसके लिए भी हम लोग नियम लाए हैं। हम लोगों ने जगह जगह पर, चाहे वो पुलिस की भर्ती रही हो चाहे शिक्षकों की भर्ती रहे, उसमें पारदर्शिता रखी है। हमने नए उद्योग लगे, निवेश बढ़े, बाहर से उद्योग धंधे। मेरा नाम स्मिता मौर्य है, मेरे पिताजी का नाम जागेश्वर मौर्य है, मैं सरेनी विकासखंड से। आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है, किसके हाथ से मिला, कैसा महसूस कर रही हैं आप? आज हमें माननीय उप मुख्यमंत्री मिस्टर दिनेश शर्मा के हाथों से नियुक्ति पत्र मिला है। मैं बहुत खुश हूँ, आगे मैं अपना शिक्षक का कार्य बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ और जीवन में बहुत सफल होना चाहती हूँ। जिस हिसाब से लगातार देखा जाए तो ये 69,000 की भर्ती लटकी हुई थी, तो कैसा लग रहा था आप लोगों का और आज कैसा लग रहा है? बहुत बाधाओं के बाद हम लोग को ये नियुक्ति पत्र मिला है, बहुत संघर्ष करना पड़ा है हमें मानसिक रूप से भी, और आज बहुत खुशी हो रही है हमें नियुक्ति पत्र इतने अच्छे से और इतने माननीय सदस्य लोग के बीच में हम लोग को मिल रहा है। थैंक यू। एक लोग और कोई बोले, आज कैसा आप लोग अनुभव कर रहे हैं, क्या लगा? बहुत अच्छा, बहुत। दो साल का एक लंबा संघर्ष था, उस संघर्ष के बाद आज ये दिन आया जब हम लोग को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आज हम लोग को नियुक्ति पत्र मिला, इस चीज़ की बहुत खुशी है। अच्छा, इतना लेट से मिला तो किसका कारण मानते हैं? इतना लेट कारण आप किसी एक कारण को नहीं दे सकते, इसमें न्यायपालिका की भी देरी है, सरकार का भी थोड़ा धनमूल रवैया रहा और अब थोड़ी सी तेजी दिखा रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों की थोड़ी बहुत कमी, हर चीज़ें, काफ़ी चीज़ें इसमें, दो साल का एक लंबा वक्त लगा। तो कैसा महसूस कर रहे थे तब जब अटकी हुई थी भर्ती और आज नियुक्ति पत्र हाथ में? अचानक से सब चीज़ें इतनी तेजी से हुई, नहीं हम लोग को लग रहा था कि भाई 5-6 महीने का एक लंबा समय और लगेगा, लेकिन 31,000 जो पदों पर अलग से भर्ती किया इन्होंने 2 चरणों में करके, तो इससे अच्छा हुआ भर्ती तीव्र गति से हो गई और कम से कम आधे लोग तो लाभान्वित हो गए। और कुछ दिन बाद जैसे सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ जाता है तो जो हमारे बाकी बच्चे साथी जो चयनित नहीं हो पाए उनका भी चयन हो गया। स्कूल का आवंटन, स्कूल का आवंटन अभी नहीं हो पा रहा है तो क्यों क्या मानते हैं? स्कूल आवंटन विभागीय कार्य है, शायद जो स्थानांतरण होना है शिक्षकों का वो आ जाएगा, उसके बाद स्कूल आवंटन होगा, तब तक हम सभी 20,000 स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक, थैंक यू। नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम पल्लवी परिहार है, आज मुझे 69,000 वैकेंसी में नियुक्ति पत्र मिला हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 2 साल के बाद ये दिन आया है, ऐसा लग रहा है जैसे सपना साकार हो गया है और स्कूल जाके बस अच्छे से बच्चों को पढ़ाना है। कोई स्कूल में आवंटन हुआ क्या? नहीं, अभी स्कूल में आवंटन नहीं किया गया है, BSA ऑफिस से जाके ज्वाइनिंग होनी है, उसके बाद स्कूल कुछ दिनों के बाद मिल जाएगा। ये आज नियुक्ति पत्र मिला है, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम अंजलि है, मैं सुगढ़ ब्लॉक रायगली से हूँ। 69,000 वैकेंसीज में जो 31,277 वैकेंसी पहले चरण में पूर्ण कराई गई हैं उसमें मुझे नियुक्ति पत्र मिला है, मैं बहुत खुश हूँ और इसके लिए मैं अपने पूरे परिवार, अपने गुरुजनों का और सादर आभार देना चाहती हूँ तथा मैं स्कूल में पूरी निष्ठा के साथ अपना कार्य करूँगी। कोई स्कूल आवंटन हुआ क्या? नो सर, अभी कोई स्कूल आवंटन नहीं हुआ है। आज नियुक्ति पत्र मिला है उप मुख्यमंत्री जी के हाथ से, कैसा लग रहा है? मेरा नाम गोपाल मिश्रा है और आज उप मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा आज हम लोग को जो है नियुक्ति पत्र मिला है और आज लगभग 2 वर्षों के बाद उपरांत हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला है और जिसका हम लोग को बहुत ही हर्ष है और खुशी या उत्साह है। और वास्तविकता रूप से अगर देखा जाए तो आज हम लोग की दिवाली आज ही हो गई है और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। दो साल का समय लगा इसमें, किसको आप मान रहे हैं कि इतना देर लग गया, क्या होना चाहिए था ताकि ये नियुक्तियाँ जल्दी हो जाती है? जी देखिए, कुछ विभागीय ढील थी और कुछ प्रशासनिक कार्रवाई हो रही थी जिसके कारण थोड़ा सा ढील हो गया और बाकी स्कूल का आवंटन हुआ क्या अभी आपका? नहीं, अभी स्कूल का आवंटन नहीं हुआ है और BSA ऑफिस से हम लोग संबद्ध होंगे और आगे फिर उसके बाद आवंटन होगा। अच्छा, YouTube पे। हाँ।